दोस्त, इस वीडियो में जो कवर करने वाले इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो कि टेस्ट मैच खेला जाएगा, भले ये टेस्ट मैच है बट आपको पता है टेस्ट मैच हमारे लिए काफ़ी लकी जाता है, तो आप लोग स्मॉल इनिंग रैली दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे। सिर्फ 6 घंटे बचे किस मैच के स्टार्ट होने में, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको फैन टू प्ले की भी टीम दूंगा जहाँ पे विन करना है भी बहुत इजी है। साथ ही साथ इस ऐप पे A to Z फीचर्स अवेलेबल है, और यही नहीं पूरे फैंटेसी फिल्म में सबसे ज़्यादा स्मूथ ऐप है। बहुत स्मूथनेस है, ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह है। फाइनल टीम के लिए, फाइनल अपडेट्स के लिए, कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए, डेली फ्री विनिंग टीम के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यूज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर डेड लाइन से 15 मिनट पहले आपको फाइनल टीम शेयर कर देता हूँ। डेड लाइन से 15 मिनट पहले सबसे सेंड है, सबसे बेस्ट मेथड है। मैं एक लिंक पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आप उसके थ्रू कर सकते हो। दोनों लिंक 100% काम करता है। बट क्या मैं क्या प्रेफर करता हूँ, ध्यान सुनो, मैं प्रेफर करता हूँ ना आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के लिंक से कर लो। अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बारे जाना, सर्च करना एफ11 टीम। अगर आप सर्च करोगे बिना स्पेस देखे तो एक चैनल देखने को मिलेगा जहाँ पे अभी के टाइम करंटली 42,700 से ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पे डेली फ्री विनिंग टीम प्रोवाइड करता हूँ। हर एक मैच यहाँ पे कवर किया जाता है, हर एक मैच। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे ज्वाइन करना, 42,700 से ज़्यादा लोग हैं, 42,700 से ज़्यादा लोग हैं। ध्यान रखना, फ्रॉड लोगों से दूर रहना, ऑफिशियल ज्वाइन करना लिंक के थ्रू। अगर आप देखोगे तो ये ना थर्ड टेस्ट मैच खेला जाएगा, ठीक है, और ये मैच आप देखोगे तकरीब 3:30 पे ये स्टार्ट हो जाएगा। आपको एग्जैक्टली आपको 3 बजे आपको एक्टिव रहना, एग्जैक्टली 3 बजे। और वेन्यू बता दो तो ये मैच लंदन में खेला जाएगा, क्या ओवल में खेला जाएगा, लाइव देख सकते हो सोनी लीव ऐप पे देख सकते हो। कोई स्पॉन्सर नहीं है, बहुत से पूछने लगते हैं बट एक कोई भी स्पॉन्सर नहीं रहता है। उसके अलावा बात करते हैं पिच रिपोर्ट, दोस्तों जो विकेट है इस विकेट पे ना अगर आप देखोगे तो अराउंड जो स्कोर बनता है एवरेज 328 रन, मैं आपको एवरेज निकाल के दिखा देता हूँ, अभी 328 रन इस विकेट पे बन जाते हैं। और 85% आप देखोगे तो पेसर्स का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जो अपनी टीम में जो मेन पेसर्स है ना उनको जो उसे कवर करके चलना, 85% तो उन्हीं को सपोर्ट मिल रहा है। आप खुद से सोचो, यानी कि जो अपनी टीम मेन पेसर्स है उनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी रोटेट कर। लास्ट 3 मैचेस अगर आप इस वेन्यू पे देखोगे तो पहले टीम ने बैटिंग करने तीनों के तीनों मैचेस जीत रखे, और चेसिंग इस विकेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप एवरेज निकालोगे तो फर्स्ट इनिंग जो एवरेज उसका जो 4 बार देखो, आप जो जानते हो यहाँ पे 4 इनिंग्स होती है, दोनों टीम्स के 2-2 इनिंग्स होती है, तो जो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग स्कोर बनता है एवरेज निकल के आता है 272 रन, 269 रन, और साथ ही साथ 406, और जो कि थर्ड इनिंग बन जाता है क्योंकि चेसिंग यहाँ पे, और थर्ड इनिंग में 406 भी बन जाते हैं। उसके अलावा एवरेज 273, यानी कि मान के चलिए ये इनका एवरेज है। इससे साफ पता चलता है पिच थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली भी है। एंड बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस, तो इंग्लैंड के अगर लास्ट 5 मैचेस आप देखोगे तो 5 में से सिर्फ 1 मैच लॉस की है, और ये भी 1 मैच लॉस की, यानी काफ़ी अच्छे दोनों टीम से, हर कोई जानते हैं ये चीज़। तो उसके अलावा बात करते हैं इंजरी न्यूज़, तो बता दूँ जॉनी बेस्टो इस मैच के लिए मतलब रूल्ड आउट हो चुके, ये मैच नहीं खेलेंगे, और हैरी ब्रुक इनके जगह पे खेल सकते हैं। इस बात का ध्यान, वो टेस्ट डेब्यू मतलब कर सकते हैं, इस वजह डेब्यू कर सकते हैं हैरी ब्रुक, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले इंग्लैंड का जो कि प्रोबेबल लाइनअप जो कि होनी चाहिए, ओपन करेंगे जैक कैडली ओपन करेंगे, एलेक्स लेविस के साथ ओपन करेंगे, वन डाउन ओली पॉप जो कि वन डाउन बैटिंग करेंगे, जो रूट जो कि फोन है बैटिंग करेंगे, हैरी ब्रुक फिर ना बैटिंग करें जो कि इस वजह डेब्यू करने वाले हैं टीम इधर से, बेन स्टॉक जो कि कैप्टनसी करे टीम इधर से, पूरे अमाउंट में बॉलिंग करेगी टीम इधर से, पूरे अमाउंट में बॉलिंग करने वाले हैं, बेन फ्रॉक्स जो कि टीम से खेलते हैं पहले, स्टोर्ट बॉल जो कि न्यू बॉल से स्टार्ट करेंगे, ओली रॉबिन्सन, जैक लीच, जेम्स एंडरसन जो कि विकेट टेक के प्लेयर है ये भी न्यू बॉल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है इंग्लैंड का प्रोबेबल लाइनअप्स विद बैटिंग ऑर्डर। इंजरी न्यूज़ आपको बता चुका हूँ। बात करते साउथ अफ्रीका के जो मेन प्लेयर है रसेब एंडरसन, जो कि इस मैच के लिए रूल्ड आउट हो चुके हैं, उनकी जगह पे खैरे जोंटो इस मैच के लिए आए हैं। ठीक है, खैरे जोंटो का तो हर कोई जानता है, जो मेरे साउथ अफ्रीका T20 वगैरह खेलते हैं डोमेस्टिक मैचेस, उनको पता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बात करते साउथ अफ्रीका जो होनी चाहिए लाइनअप्स, ओपन करें डेन हिलर ओपन करें टीम से कैप्टनसी, साइड एरिक के साथ ओपन करेंगे, वन डाउन केगन पीटरसन जो कि वन डाउन बैटिंग करेंगे, एडन मार्कम जो कि फोर ना बैटिंग करेंगे, कैरे जोंडो फिर ना बैटिंग करेंगे, कैले वैन जो कि सिक्स ना बैटिंग करेंगे, उसके अलावा मार्को जेंसन और सिमरन हारमेनस को एक जिसमें ज़्यादा चांस है तो मार्को जेंसन की है, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, एंडी चिनोटेस, लुंगी एनगिडी। तो ये है साउथ अफ्रीका का लाइनअप्स और ये है इंग्लैंड का लाइनअप्स। इंजीनियर सबको बता चुका हूँ, बाकी जो अपडेट्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे जूस इन्फॉर्म करता हूँ, टेलीग्राम चैप पे एक्टिव रहें। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, स्टैट्स अच्छा सीख गए, बाकी टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, 42,700 से ज़्यादा लोग, जहाँ पे 1:30 से 15 मिनट पहले आपको ड्रेन टीम शेयर कर दूंगा, फैन टू प्ले की टीम शेयर कर दूंगा, जो मेरे ट्रम्प कार्ड पिक्स है कि हाँ इस बच्चे कुछ कर सकते हो वो भी आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा।
बात करते प्लेयर वाइज साइनिंग्स, बाकी इस मैच के बाद मैं इस मैच की वीडियो प्रीव्यू दे दूंगा। अब देखोगे बात करें विकेट कीपर से लेकर, उससे पहले दूसरे वीडियो को जूस लाइक कर देना जिससे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सबसे पहले को ऑल पे सेट कर, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले को नोटिफिकेशन मिले। बात करें विकेट कीपर से जॉनी बेस्टो इंपॉर्टेंट है टीम दस, नहीं जॉनी बेस्टो इस मैच का अवेलेबल ही नहीं है, साइड रखिएगा। टीम दस 61% सिलेक्शन है बट ये रूल्ड आउट हो चुके हैं। बेन फ्रॉक्स जो कि ये भी अच्छे प्लेयर, कैले बेन्ने मुझे ज़्यादा पसंद है। आप कैले बेन्ने का बैटिंग ऑर्डर देखोगे तो ये सीखना बैटिंग करेंगे और बेन फ्रॉक्स से बंदे बैटिंग, यानी बाय डिफॉल्ट आप इन दोनों में से कोई किसी को पिक कर सकते हो। चलो बेन फ्रॉक्स के साथ जाएं जो कि टीम से अच्छी विकेट कीपिंग करता है बंदा। उसके अलावा डेनियल का कैप्टनसी कर रहा है, काफ़ी कॉन्स्टेंट है, कोई ना इनिंग में सेंचुरी लगा ही देता है। केकेन पीटर्सन जो कि वनडर बैटिंग है, सैडले इरवे भी करंटली फॉर्म में चला, एक्सपीरियंस बंदा है। जैक केली टैलेंटेड प्लेयर, ओलीपॉप इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड ऑप्शन है आप एलेक्स लेस ले लो, फिर केकेन पीटर्सन या फिर सैडले इरवे से ले लो, तीन ऑप्शन है। मेरा एलेक्स लेस लेने के ज़्यादा चांसेस है, मैं फिलहाल के लिए सैले इरवे मुझे ज़्यादा पसंद है, सैले इरवे के साथ ही जाऊँ, ठीक है, ज़्यादा पसंद है मुझे आउटिंग उधर से ना। T20 का अच्छा बैट्समैन है। उसके अलावा बेन स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, जो रूट टीम उधर से बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, हालांकि बॉलिंग अच्छा अमाउंट में कन्फर्म नहीं है लेकिन बैटिंग से जोर से इनफॉर्म प्लेयर है। केशव महाराज इस मैच के लिए अवेलेबल होगा, केशव महाराज भी अवेलेबल है तो इनके साथ जा सकते। उसके अलावा अब एक मिनट, सिमोन हार्मर तो इंग्लैंड का प्लेयर ना है, तो टीम उधर से इसमें दिखा रहा है, चलो इनको कवर कर सकते हो। मैं एडन मार्करम के साथ जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते टीम दस से, हालांकि बॉलिंग से होप ना करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बैटिंग से होप कर सकते हो। बॉलिंग सेशन से जेम्स एंडरसन इंपॉर्टेंट है, कागिसो रवाडा इंपॉर्टेंट है। नॉटेज को मैं ड्रॉप करना चाहता, एंडिज नॉटेज मुझे काफ़ी पसंद है। अगर मुझे नॉटेज पिक करना है तो मुझे क्रेडिट की प्रॉब्लम भी पड़ेगा, जो कि सिर्फ ड्रीम में भी मुझे मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम पड़ता है, ऐसे बाकी साइड्स पर कभी पड़ता नहीं है। तो अब मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, जो रूट को ड्रॉप करूँगा नहीं, केशव महाराज को ही ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे, और एडिन मार्करम को पिक करना पड़ेगा। उसके अलावा एनएच नोटिस लो या फिर केशव महाराज लो, 8.5 के बस है, ओवरऑल टीम बन चुकी है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि केशव महाराज को पिक नहीं किया भाई, या केशव महाराज को पिक कर सकते हो अगर आपको मन करे तो, नोटेज के जो आप पिक लो आप, वो आपको बैटिंग बैकअप आपको दे सकता है, लेकिन नोटेज मुझे ज़्यादा पसंद है विकेट टेकिंग प्लेयर, तो नोटेज के साथ में जाओ। अगर आपको पसंद है महाराज तो केशव महाराज को पिक कर सकते हो। मैं साइड रखा हूँ एडिन मार्करम, मेरे हिसाब से हो सकता है ट्रम्प कार्ड। बेन स्टॉक बेस्ट कैप्टन टीम उधर से दो पूरे मतलब अमाउंट में बॉलिंग करने वाली टीम उधर से, फॉर्म में भी चल रहे काफ़ी चल रहे, जो वाइस कैप्टन जो रूट के साथ जाओ। नॉटेज वगैरह भी अच्छी है, स्टॉर्ट बोर्ड को साइड रखिएगा, ओलीपॉप के साथ भी जा सकते हो। डेनियल का भी काफ़ी सेफ रहा वाइस कैप्टन, मैं जाना चाहूँगा अगर आप एवरेज देखोगे फर्स्ट इनिंग का इस विकेट पे, तो निकल कर था 272 रन, यानी कि मेरे हिसाब से जो फर्स्ट इनिंग जो बैटिंग करेगा थर्ड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर बनता है, तो जो थर्ड इनिंग रहेगा ना, यानी कि इंग्लैंड को ओपनर, इंग्लैंड का ओप मतलब कि जो मतलब कि जैसे जो टीम पहले बॉलिंग करेगा उसके ओपनर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते इस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से जो अगर आप जाना चाहो तो ओली पॉप वगैरह भी सही रहेंगे, आप ओली पॉप को भी बना सकते हो मेरे हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग टीम बना सकते हो। मैं अपना वाइस कैप्टन जा रहा हूँ फिलहाल डेन एलगर के साथ, जो कि कैप्टनसी कर रहा है, एक्सपीरियंस बंदा है और करंटली फॉर्म में भी चलता है टीम से, इन फॉर्म प्लेयर टीम उधर से। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉल ही खेलूंगा सेम टीम के साथ, 400 अमाउंट अभी आप इन्वेस्ट करने आफ्टर टॉस में कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर से करूँगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ना थोड़ी सी क्रेडिट प्रॉब्लम पड़ रही है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम फैन टू प्ले पे है ही नहीं। फैन टू प्ले की टीम देखोगे खुद से बोलोगे भाई साहब यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे फैन टू प्ले पे। जिन्होंने फैन टू प्ले डाउनलोड नहीं किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फैन टू प्ले लिंक करके मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रेफर कोड एप्लीन यूज़ करके आप रजिस्टर करिए, जैसे आप रेफर कोड एप्लीन यूज़ करोगे तो आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाओगे। आप रेफर कोड मांगे इनविटेशन से कोड, उस पर क्लिक करना एप्लीमेंट डाल देना, A to Z फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से डाउनलोड करना। सीपीएल के लीडर बोर्ड लाइव एक फर्स्ट प्राइस 1,00,000, सेकंड 50,000, थर्ड 30,000, इसी तरह पूरे 500 विनर्स है सीपीएल लीडर बोर्ड के लिए, और हर एक टूर्नामेंट हर एक सीरीज के लीडर बोर्ड लाइव रहता है। जैसे इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है, इसमें आपको देखोगे तो फ्री एंट्री लाइव है, फ्री एंट्री ₹10,000 का फ्री एंट्री यहाँ पे लगा हुआ है। देखो यहाँ पे ₹10,000 का आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉन्टेस्ट देखो कितना डिस्काउंट है, 10% मतलब बोनस भी यूज़ होगा, 20% बोनस यूज़ होता है, बहुत बोनस यूज़ होता है हद से ज़्यादा, और 7,000 से 10,000 का फ्री एंट्री आपको देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे खेल सकते हो, बहुत स्मूथ ऐप भी है। तो यहाँ का टीम से अगर बात करोगे ना ग्रैंड साउथ अफ्रीका, देखोगे यहाँ से तो दो मोड्स है, क्लासिक फैंटेसी, चैलेंज फैंटेसी। चैलेंज फैंटेसी आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, दो प्लेयर तीन पे चार पे टीम बना चुकी है अपनी में यूनिक फैंटेसी, आपको मन कर रहा है कि आप बहुत थक चुके हैं 11 प्लेयर टीम बना के, अब कुछ नया खेलते तो नया सीखो, चैलेंज फैंटेसी जिसमें आप दो प्लेयर तीन प्लेयर चार प्लेयर टीम बना सकते हो, क्लासिक फैंटेसी जिसमें आप नॉर्मली 11 प्लेयर की टीम बना सकते हो।
बात करें विकेट कीपर सेक्शन, जॉनी बेस्टो साइड रखते बेन फॉक्स देखो स्मूथनेस में बहुत आगे ही है, बहुत स्मूथ है। इससे आपको ये फ़ायदा है कि आप दो बैट्समैन दो बॉल्स के साथ जा सकते हो, ठीक है, दो बॉलर्स दो बैट्समैन साथ जा सकते हैं। जैसे जो रूट को पिक करूँगा, डेन एलन को पिक करूँगा, जैक कैली को साइड रखिए, ओली पॉप को पिक करूँगा। तो यहाँ पे ना मैं सैले एरवे को साइड रख के मैं अपने टीम में पिक करूँगा किसको, ओ क्या कहते हैं केशव महाराज को। देखो कितने यहाँ पे आप चाहो तो दो बैट्समैन के साथ भी जा सकते हो, यानी कि आप चाहो तो जो रूट को चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो अगर वो मन करे कि जो रूट ड्रॉप करना चाहिए, बट मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। इस ऐप पे हर एक फीचर्स अवेलेबल है, यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉल्स भी है, एक सेकंड से पहले मतलब आपका विड्रॉल्स क्लियर हो जाएगा, 100 रुपये मिनिमम विड्रॉ है बिना किसी चार्जेस के। बेन स्टॉक, एडिन मरकम, केशव महाराज, सिमोन हार्मर, ये इंग्लैंड का प्लेयर यहाँ कैसा कि मैं यही सोच रहा हूँ इतने देर से। उसके अलावा जेम्स एंडरसन, एंडी चनोटेज, केशव उसे कागेश्वर अवाड़ा टी से, केशव महाराज कहाँ है भैया, लुंगी एनगेडी को पिक कर लो, स्टर्ट बोर्ड को पिक कर लो। तो ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है, केशव महाराज को मैं पिक कर चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है, आप कंपेयर करोगे किसी भी साइड की टीम से तो पैंट प्ले टीम कितनी स्मूथली बनी, और अभी मेरे पास 0.5 किट बचा हुआ है, जबकि कोई भी क्रेडिट की प्लॉट नहीं पड़ा है। जो रूट भी है, डे नीलकर है, भैया सब मतलब सभी बड़े प्लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है, इसीलिए बोलता हूँ फैंटो प्ले अपना बेस्ट है। कैप्टन से अपने बात करते हैं, ऐसे कैप्टन बेन स्टॉक के साथ जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन में जा रहा हूँ फिलहाल के लिए ना, हो सकता है मैं किसी और के साथ भी जाऊँ, बट फिलहाल के लिए मैं एडिन मरकम वगैरह के साथ भी जा सकता हूँ, मैं अपना वाइस कैप्टन जा रहा हूँ एंड यहाँ पर डेन एलकर के साथ। तो दोस्तों ये टीम मेरी स्मॉल स्मॉल ही खेलूंगा, सेम टीम के साथ वही अमाउंट चार सकती है इन्वेस्टमेंट करने, ठीक है, आफ्टर टॉस इस पर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर से करूँगा। सेम टीम स्क्रीन शॉट ले लो, जाके आप स्मॉल में कोटर्स को बुक कर सकते हो, सेम टिक स्क्रीन शॉट ले लो इसी टीम से आकर। जिन्होंने फैन टू प्ले डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, फैन टू प्ले लिंक पे क्लिक, आप फैन टू प्ले आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, रेफर कोड ऐप पर यूज़ करें, ठीक है, रेफर कोड मांगेगा ऐप वगैरह डाल देना बिना स्पेस देखे, देख सकते हो कितनी स्मूथली टीम बन गई है। तो सेम टीम के साथ फैन टू प्ले पे इन्वेस्ट करने जाओ, बहुत स्मूथली टीम बनी है, आप ये पे चाहो तो और भी रिस्क ले सकते हो, जो रूट वगैरह को ड्रॉप करके ऐसा रिस्क ले सकते हो, बट ये थोड़ा रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा, तो ये रिस्क तो मैं प्रेफर नहीं करता। फिलहाल फिर सेम टीम के साथ जाओ फाइन टू पे कॉन्टेस्ट बुक करने, मिलता है टेलीग्राम पैक्टी रहना, फाइन टेल टी वी सेल कर दूँगा, तो मिलता है टेलीग्राम पैक्टी ना, ठीक है, टेलीग्राम पैक्टी रहो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके थ्रू ज्वाइन कर लो।